दोस्तों जरा याद कीजिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि किसी T20 मैच में 31 गेंदों में 26 रन बनाने वाला प्लेयर आखिरी बॉल पर अपनी इनिंग का इकलौता चौका मारे और फिर भी मैन ऑफ द मैच बन जाए। बाकी जब इतना याद करने के लिए आपकी याददाश्त पर जोर डालेंगे तो ये भी याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कल से पहले आखिर बार ऐसा T20 मैच कब देखा था जहां 100 रन बनाने के लिए दोनों टीमों के बैटर्स की जान के लाले पड़ गए हों। सीधे सीधे कहें तो कल का मैच क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे स्लो और स्ट्रगलिंग मगर मेमोरेबल T20 मैच बन गया। लेकिन जब ये मैच न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ था तो बस एक बायलैटरल सीरीज का दूसरा मैच था जहां इंडिया जीतकर पहले मैच की हार का हिसाब करने उतरी थी। लेकिन पिच ने ऐसी करामात दिखाई कि सब बैटर्स के मुंह खुले के खुले रह गए और बॉलर्स की बांछें खिल गईं। साफ साफ कहें तो कल का मैच इतना अजीबो गरीब रहा कि समझ नहीं आया जश्न मनाएं या 100 रन बनाने के लिए इतनी मेहनत करने पर उदास हूँ। फिर हमने सोचा छोड़ो, अपने काम पर फोकस करते हैं और इतने दिनों से हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट के रुके हुए सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। तो चलिए जरा 4 मिनट का वक्त निकाल कर ईयरफोन लेकर बैठ जाइए क्रिक माइंड के एक और क्रिस्पी एपिसोड में जहां हम कल रात हुए मैच का पोस्टमार्टम करेंगे लेकिन अपने ही अंदाज में। तो दोस्तों कल शाम 7 बजे लखनऊ में मैच शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा उमरान मलिक के बाहर बैठने और पृथ्वी शॉ को फिर टीम में शामिल नहीं करने पर हुई। सब बोल रहे थे शॉ को स्क्वाड में लिया ही क्यों अगर टीम में जगह नहीं देनी थी, जबकि उमरान को नहीं खिलाने पर जो एक्सपर्ट्स सवाल कर रहे थे वो एकदम से चौथे ओवर में पलट गए क्योंकि उस टाइम युजवेंद्र चहल गेंद को 2 फीट तक टर्न जो करा रहे थे। इस करिश्माई टर्न का नतीजा ये रहा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने घबरा कर डगआउट से ही स्विप शॉट खेलने का मन बना लिया और एक के बाद एक सभी बैटर आते जाते रहे। आड़े टेढ़े शॉट्स मारते गए और ज्यादा परेशान किए बिना वापस पवेलियन लौट गए। हालांकि न्यूजीलैंड की इस बुरी हालत में इंडियन बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के साथ पिच का भी बड़ा हाथ था क्योंकि लखनऊ की कल वाली पिच ऐसी लग रही थी कि क्यूरेटर ने अपने घर की खुन्नस बैटर्स पर निकाली है, जलेबी से ज्यादा घुमावदार पिच बनाकर। बॉल कहां से पड़कर कहां जा रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच का आखिरी दिन चल रहा हो। दूसरी तरफ कुलदीप, चहल और सुंदर के साथ हुड्डा भी इंडियन स्पिनर्स के स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। कल की पिच पर स्पिनर्स की हर बॉल के बाद ऐसा फील आ रहा था एरिया में आया है। वैसे न्यूजीलैंड के 99 पर रुकने, स्पिन बॉलर्स के शानदार बॉल डालने और हर्षदीप के 2 विकेट लेने के बीच एक अजीब बात तो मिसी हो गई। वो अजीब बात ये है कि कल जब स्पिनर धुआंधार बॉल टर्न करा रहे थे तब भी हार्दिक ने चहल से सिर्फ 2 ओवर डलवाए और खुद 4 ओवर डालकर 6 की इकोनॉमी से रन देने वाले इकलौते प्लेयर बने। हार्दिक ने ऐसा क्यों किया पता नहीं, मगर बाहर से देखने में यह बात अजीब लगती है। खैर जो भी हो, चहल को पूरे ओवर नहीं दिए गए और हुड्डा से पूरे ओवर करवाने वाली बहस से आगे बढ़े तो कल जब इंडिया को 100 रनों का टारगेट मिला तो मेरी तरह बहुत से क्रिकेट फैंस ने टीवी और मोबाइल बंद करके खबरें या कोई अच्छी सी मूवी लगा ली होगी क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 100 रनों के लिए भी मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। लेकिन ईशान किशन की ओवर डिफेंसिव अप्रोच और कीवी स्पिनर्स की टाइट बॉलिंग ने मैच फंसा दिया। इंडिया के विकेट भले ही कम गिरे पर सबके सब बहुत ही गलत टाइम पर गिरे और एक समय ऐसा आ गया जब इंडिया को 18 बॉल्स में 18 रन चाहिए थे। तो वही फैंस जो स्पिनिंग ट्रैक पर पहली पारी में उछल रहे थे वो पिच क्यूरेटर को बोल रहे थे बना दिया, मगर वो तो भला हो सूर्य कुमार यादव का जो आखिर तक टिके रहे और अपने 360 डिग्री वाले शॉट्स भूलकर सीधे बैट से खेले। हालांकि यादव को किस्मत का भी ठीक ठाक साथ मिला, वरना न्यूजीलैंड वाले एक ही बैटर की 2 कैच छोड़ दें, ऐसा होना पानी में आग लगने जैसा है। मगर कल ऐसा हुआ और इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत गए। अरे नहीं, टेस्ट मैच नहीं, T20 जीत गए। वैसे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि कल का T20 मैच हुआ ही टेस्ट की तरह। वैसे कल के मैच ने कोहली और रोहित की बड़ी जोर याद दिलवाई क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पर दोनों बड़ा ही संभल कर खेलते हैं। खैर जो भी हो, इंडिया कल का मैच 6 विकेट से जीत गई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं? आपको भी लगा कि और चैनल्स की तरह हम भी बस मेंस क्रिकेट पर बात करके आगे बढ़ जाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए इसे पलट देते हैं और कल के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट पर भी बात करते हैं। वो हाईलाइट जिसने कई सालों से इंडियन क्रिकेट में चल रहे सूखे को खत्म किया और अगले कुछ महीनों में होने वाले बड़े टूर्नामेंट जीतने की आस सीनियर टीम के साथ भी बांधी। जी हम बात कर रहे हैं छुपे रुस्तमों की तरह साल का आगाज वर्ल्ड कप जीत के साथ करने वाली अंडर-19 वीमेंस टीम की, जिन्होंने कल हुए पहले अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेटों की करारी हार थमाई। कप्तान शेफाली वर्मा के अंडर इस टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की जिस पर चर्चा अलग से बनती है, इसलिए एक अलग एपिसोड के साथ लौटेंगे। लेकिन अभी आपको छोड़ जाते हैं जश्न के साथ क्योंकि वर्ल्ड कप लड़की या लड़के नहीं, देश जीतता है और जीत के जश्न की बस एक सीमा होती है।